क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमने प्रूव करना है ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर 3π/4 प्लस ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर π/4 प्लस ट्वाइस ऑफ सेक स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू 10। हमें यहां पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया गया है और हमसे कहा गया है कि हमने इसको प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इक्वेशन हमको प्रूव करने के लिए दी गई है, इसके लेफ्ट हैंड साइड को यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में है ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर 3π/4 प्लस ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर π/4 प्लस ट्वाइस ऑफ सेक स्क्वायर π/3। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहां पर ट्वाइस है तो ट्वाइस को यहां पर एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं। फिर यहां पर है साइन स्क्वायर 3π/4। हम साइन स्क्वायर 3π/4 को लिख सकते हैं साइन 3π/4 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि जब भी हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा होगा तो हम इसको साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहां पर आगे प्लस है तो यहां पर प्लस नोट डाउन कर लेते हैं। फिर यहां पर है ट्वाइस कॉस स्क्वायर π/4, ट्वाइस को यहां पर एज इट इज लिख लेते हैं। कॉस स्क्वायर π/4 को हम लिखेंगे कॉस π/4 का होल स्क्वायर। फिर यहां पर प्लस है तो प्लस को नोट डाउन कर लेते हैं, ट्वाइस को यहां पर एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं। यहां पर है sec स्क्वायर π/3, तो हम इसको लिख सकते हैं sec π/3 का होल स्क्वायर। चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ट्वाइस को यहां पर एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं। अब इस ब्रैकेट के भीतर है साइन 3π/4, ठीक है। हम इस साइन 3π/4 को ब्रैकेट के भीतर लिखेंगे साइन पाई माइनस पाई बाई फोर और ब्रैकेट पर होल स्क्वायर तो है ही। हमने 3π/4 को यहां पर ब्रेक करके लिख लिया पाई माइनस पाई बाई फोर, क्योंकि जब हम 4 से पाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4π, 4π में से पाई को माइनस करेंगे तो आएगा 3π, तो ये वापस से सॉल्व करके बन जाएगा 3π/4। तो यहां पर हमने 3π/4 को ब्रेक करके लिख लिया पाई माइनस पाई बाई फोर और जो ये साइन 3π/4 का होल स्क्वायर था ये बन गया साइन पाई माइनस पाई बाई फोर का होल स्क्वायर। आगे प्लस है तो प्लस नोट डाउन कर लेते हैं, ट्वाइस को एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं। अब हम इस ब्रैकेट के भीतर आते हैं। ब्रैकेट के भीतर यहां पर है कॉस पाई बाई फोर, पाई होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 45 डिग्री, तो ये बन जाएगा कॉस 45 डिग्री। और हमें पता है कि कॉस 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√2, तो हम कॉस पाई बाई फोर को यहां पर लिखेंगे 1/√2 और ब्रैकेट पर होल स्क्वायर है तो यहां पर होल स्क्वायर लगा देंगे। फिर आगे यहां पर प्लस है तो प्लस को नोट डाउन कर लेते हैं। फिर यहां पर ट्वाइस है, ट्वाइस को एज इट इज लिख लेते हैं। अब हम इस ब्रैकेट के भीतर चलेंगे, इस ब्रैकेट के भीतर है sec पाई बाई थ्री, पाई होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 60 डिग्री और ये बन जाएगा sec 60 डिग्री और sec 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 2, ब्रैकेट पर होल स्क्वायर है तो यहां पर होल स्क्वायर लगा देंगे। चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ट्वाइस को यहां पर एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं, फिर इस ब्रैकेट को भी यहां पर एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं, ब्रैकेट पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर भी लगा देते हैं। अब यहां पर इस ब्रैकेट के भीतर है साइन पाई माइनस पाई बाई फोर, पाई होता है 180 डिग्री, पाई बाई फोर हो जाएगा 180 डिग्री बाई फोर यानी कि 45 डिग्री जो कि एक एक्यूट एंगल होता है, तो ये एंगल हो गया 180 डिग्री माइनस एक्यूट एंगल। और जो भी 180 डिग्री माइनस एक्यूट एंगल होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है और सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल्स के लिए सिर्फ साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। इसलिए इस सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब यहां पर जो ये एंगल है वो है पाई माइनस पाई बाई फोर जो कि हमें पाई माइनस थीटा के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, और जब भी हमारे पास में एंगल पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा के फॉर्म में हो या फिर 2π प्लस थीटा या 2π माइनस थीटा के फॉर्म में हो, तो जब हम इन एंगल्स को रिड्यूस करेंगे थीटा में तो इन एंगल्स के आगे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था थीटा के आगे भी वही वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा बिना चेंज हुए, ठीक है। इसी रूल को फॉलो करते हुए अब हम यहां पर भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहां पर हमारे पास में है पाई माइनस पाई बाई फोर जो कि पाई माइनस थीटा के फॉर्म में है, जब हम इसको थीटा में रिड्यूस करेंगे यानी कि पाई माइनस पाई बाई फोर को पाई बाई फोर में रिड्यूस करेंगे तो इसके आगे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, क्योंकि ये पाई वाला केस है तो इसके आगे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो सेम यहां पर एज इट इज आएगा, ठीक है, बिना कन्वर्जन के यहां पर एज इट इज आएगा। यहां पर साइन है तो यहां पर भी साइन आएगा, लेकिन अगर यहां पर पाई की जगह पर पाई बाई टू होता
या 3π/2 होता, यानी कि 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा वाला केस होता, या 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा वाला केस होता, तो हम जब इस एंगल को रिड्यूस करते थीटा में, तो इसके आगे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता वो यहां पर चेंज हो जाता, कन्वर्ट हो जाता। और कन्वर्जन के लिए टेबल हमने यहां पर बनाई रखा है, ठीक है। साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता, टेन कॉट में कन्वर्ट हो जाता, कॉट टेन में कन्वर्ट हो जाता, सेक कॉसेक में कन्वर्ट हो जाता, कॉसेक सेक में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। लेकिन कब, जब यहां पर पाई बाई टू या 3π/2 वाला केस होता, यानी कि 90 या 270 डिग्री वाला केस होता, ठीक है। अब यहां पर पाई वाला केस था, इसलिए इसके आगे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था एंगल को रिड्यूस करने पर सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहां पर लगा। ऐसे अगर 2π वाला केस होता तो भी जब हम एंगल को रिड्यूस करते तो इसके आगे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहां पर भी आता, ठीक है। तो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। आगे यहां पर प्लस है तो प्लस लिख लेते हैं, फिर यहां पर ट्वाइस है इसको भी एस्टरिस्क लिख लेते हैं। अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स पर लगा है स्क्वायर, तो ब्रैकेट के भीतर जो भी नंबर होगा हम उसका स्क्वायर करेंगे। तो यहां पर 1 है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और नीचे है डिनोमिनेटर में √2, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। आगे यहां पर प्लस है तो प्लस लगा लेते हैं, फिर ये 2 है तो 2 लिख लेते हैं, यहां पर 2 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4। अब आगे सॉल्व करते हैं, यहां पर 2 है, फिर यहां पर ब्रैकेट के भीतर है साइन पाई बाई 4, पाई बाई 4 होता है 45 डिग्री, तो ये हो गया साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√2, ठीक है। तो साइन पाई बाई 4 हो गया 1/√2, और ब्रैकेट पर स्क्वायर लगा, यहां पर स्क्वायर लगा लेते हैं। आगे प्लस है तो प्लस लिख लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां पर आएगा 1, फिर आगे प्लस है तो प्लस लिख लेते हैं, 2 4 हो जाएगा 8। अब आगे सॉल्व करते हैं, 2 को यहां पर हम एज इट इज लिख लेते हैं, फिर अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट पर स्क्वायर लगा है तो ब्रैकेट के भीतर जो भी होगा उसका हम स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, ठीक है। और 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये ओवरऑल 1 बन गया। आगे प्लस 1 तो है ही है, और फिर प्लस 8 भी है ही है, तो 1 + 1 + 8 हो जाएगा यहां पर 10। तो यहां पर आ गया 10, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है, जो इक्वेशन को प्रूव करने के लिए दी गई थी उसके राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो जो इक्वेशन को प्रूव करने के लिए दी गई थी उसके लेफ्ट हैंड साइड को हमने यहां पर लिया, उसे सॉल्व किया और राइट हैंड साइड के इक्वल निकाल कर दिखाया। तो अब हम कह सकते हैं कि जो इक्वेशन हमको प्रूव करने के लिए दी गई थी उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो जो इक्वेशन हमको प्रूव करने के लिए दी गई थी वो प्रूव्ड हो गई, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमने प्रूव करना है cot स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cosec 5π/6 प्लस थ्राइस ऑफ 10 स्क्वायर पाई बाई 6 इज इक्वल टू 6। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा है cot स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cosec 5π/6 प्लस थ्राइस ऑफ 10 स्क्वायर पाई बाई 6। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहां पर है cot स्क्वायर पाई बाई 6, हम इसको cot पाई बाई 6 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे cot पाई बाई 6 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि जब भी हमारे पास में cot स्क्वायर थीटा होगा तो हम उसको cot थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, यहां पर प्लस है तो प्लस को नोट डाउन कर लेते हैं। यहां पर है cosec 5π/6 cosec, अब हम इस 5π/6 को ब्रेक करके यहां पर लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई 6। 6π क्या होता है, 6π, 6π में से पाई को माइनस करेंगे तो बन जाएगा 5π, तो ये बन जाएगा 5π/6। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये वापस से 5π/6 बन जाता है। तो यहां पर हमने 5π/6 को ब्रेक करके लिख लिया पाई माइनस पाई बाई 6। अब आगे यहां पर प्लस है तो प्लस लिख लेते हैं, फिर थ्राइस है तो थ्राइस लिख लेते हैं, फिर है 10 स्क्वायर पाई बाई 6, इसको हम लिख सकते हैं 10 पाई बाई 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब हम इस ब्रैकेट के भीतर देखते हैं, इस ब्रैकेट के भीतर है cot पाई बाई 6, पाई होता है 180 डिग्री, जब हम 180 डिग्री को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 30 डिग्री, तो यह हो जाएगा cot 30 डिग्री, और हमें पता है कि cot 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3, ठीक है। तो हम cot π/6 को लिखेंगे √3, और ब्रैकेट पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर भी लगा लेंगे।
अब यहां पर हमारे पास में है कॉसिक पाई माइनस पाई बाय सिक्स, पाई होता है 180 डिग्री, पाई बाय सिक्स हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन सिक्स यानी कि 30 डिग्री, यानी कि ये एक्यूट एंगल हो जाएगा। तो जब भी हमारे पास में 180 डिग्री माइनस एक्यूट एंगल होगा, यानी कि 180 डिग्री माइनस एक्यूट एंगल होगा, तो ये एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा, यानी कि ये जो एंगल है पाई माइनस पाई बाय सिक्स ये सेकेंड क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, और सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए साइन और उसके रेसिप्रोकल कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो इस सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है। अब यहां पर जो ये एंगल है वो है पाई माइनस पाई बाय सिक्स, जो कि पाई माइनस थीटा के फॉर्म में है। और जब भी हमारे पास में एंगल पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा के फॉर्म में हो, यानी कि पाई वाला केस हो, तो उसके आगे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो बिना कन्वर्ट हुए एज इट इज आता है जब हम उन एंगल्स को रिड्यूस करके थीटा के फॉर्म में लिखते हैं। तो जब हम पाई माइनस पाई बाय सिक्स को रिड्यूस करके पाई बाय सिक्स लिखेंगे, क्योंकि एंगल पाई माइनस थीटा के फॉर्म में है, तो इसके आगे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो यहां पर एज इट इज आएगा। अभी यहां पर कॉसेक है तो यहां पर कॉसेक एज इट इज आएगा। अब आगे यहां पर है प्लस तो प्लस लिख लेते हैं, फिर है यहां पर थ्राइस तो थ्राइस लिख लेते हैं। अब हम इस ब्रैकेट के भीतर चलते हैं, ब्रैकेट के भीतर है टेन पाई बाय सिक्स, पाई होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1030 डिग्री। और हमें पता है कि 1030 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√3। ब्रैकेट पर स्क्वायर लगा के यहां पर स्क्वायर भी लगा देते हैं। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, यहां पर है √3 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 3, आगे प्लस है तो प्लस लिख लेते हैं। फिर है कॉसेक पाई बाय 6, पाई होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉसेक 30 डिग्री, और हमें पता है कि कॉसेक 30 डिग्री होता है 2। अब आगे है प्लस तो प्लस को नोट डाउन कर लेते हैं, फिर यहां पर 3 है तो 3 लिख लेते हैं। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इस ब्रैकेट पर स्क्वायर लगा है तो इसके भीतर जो भी नंबर होगा हम उसका स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अब हमारे पास में आएगा 3 प्लस 2 प्लस और यहां पर आएगा 1, तो 3 प्लस 2 प्लस 1 होता है 6। और यहां पर जो ये 6 आया है वो जो इक्वेशन हमको प्रूव करने के लिए दी गई थी उसके राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हमें जो इक्वेशन प्रूव करने के लिए दी गई थी उसके हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, उसको सॉल्व किया और राइट हैंड साइड के इक्वल निकाल करके दिखाया, तो अब हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन का वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हमारा इक्वेशन प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड।